वाले हैं। ये ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक 70 आवेदन आए हमने भारत सरकार को भेज दिए, जल्दी हमारे ड्राइवर कुशल ड्राइवर तैयार होंगे, जो उस ट्रैक पे गाड़ी चला लेंगे उनको ही लाइसेंस देंगे। इस बात की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। इलेक्ट्रिक बसें मध्य प्रदेश में चलेंगी, इसकी शुरुआत भी हम लोग कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपकी चिंतन सेवा की घोषणा पूरी कर रहे हैं, कहां से करें, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी गांव से। तो फिर मुख्यमंत्री जी को एकदम याद आया गांव से करना है, तो सबसे अच्छा गांव रहेगा कानपुर, और आज कानपुर में इस सुविधा की शुरुआत हो रही है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सोदा सिंह भाई साहब को, उनके कारण हमारा कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ परम सम्मानीय माननीय परिवहन मंत्री महोदय का, और इसके साथ ही आज के इस आयोजन में जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं उस कागपुर को नई मिसाल देने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय परम आदरणीय भाई साहब सदा जी से कि वे हमें अपना स्वागत उद्बोधन। सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री सम्माननीय गोविंद राजपूत जी, हमारे सांसद माननीय राज बहादुर सिंह जी, हमारी यहाँ के विधायक सम्माननीय राजश्री सिंह जी, और हमारे उमाकांत शर्मा जी वो भी सिरोंज के विधायक हैं, हरि सिंह जी सप्रे कुरवाई के विधायक हैं, श्रीमती लीना जैन जी गंज बासोदा के विधायक जी, हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष सम्माननीय राकेश जाधव जी, सम्मान्य मुकेश टंडन जी, तोरण सिंह जी, दांगे जी, हमारे पूर्व विधायक सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह जी, रघुवंश सिंह पूर्व विधायक गंजबासोदा, रुद्र प्रताप सिंह जी, एवं सभी मंच पर बैठे सम्माननीय नेतागण, मेरे सामने बैठे सभी सम्माननीय बंधु बहनों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, ये कानपुर गांव भाय नदी और बेतवा नदी के किनारे पर है, तट पर है, और यहाँ पर देश स्वतंत्र होने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जिसमें लगे कि विकास हो रहा है। पहला विकास यदि मुझे याद आता है तो देश स्वतंत्र होने के बाद ये सड़क यहाँ से निकली थी, तो हम लोगों को खुशी इस बात की होती थी कि हम सड़क किनारे के गांव वाले हैं, हमारे गांव से सड़क निकली है। उसके बाद से कभी कोई ऐसा विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद जब यहाँ के सांसद बने माने राघव जी भाई, विधायक संसभा से माने प्रेम नारायण शर्मा जी थे, उस समय पर यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत थी, लगभग गांव हमारा सारा बाय नदी के ही ऊपर निर्भर रहता था, भाई लोग नहाने जाते थे उसी नदी का पानी पीते थे, उसी में ही सारे कार्यक्रम होते थे। कुआ था एक, वो भी 1 किलोमीटर दूर से मीठा पानी यहाँ से था, तो बड़ी पानी की दिक्कत रहती थी। इन लोगों से उस समय पर मैं यहाँ जिला प्रचारक था, मैंने आग्रह किया कि भैया हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, छोटा सा गाँव है, अगर आप इसकी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो उस समय उन्होंने सांसद निधि और विधायक जी को एक योजना आई थी कि एक गांव को ले सकते हैं, गोद जहाँ पर जल नल जल योजना कर सकते हैं, तब यहाँ पर पानी की व्यवस्था शुरू हुई, तो आज घर घर में पानी जाता है नल के द्वारा, ये सारी स्थिति इस गांव की रही है। माननीय शिवराज सिंह जी भी इस गांव से बहुत अच्छी तरह परिचित है, मेरे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री भी है लेकिन मेरे मित्र भी है, हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। भोपाल में
मैं नगर में प्रचारक था, माननीय शिवराज जी वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखते थे और उस समय संघ से हम दोनों जुड़े हुए थे, तो संघ के लोग भी हमको काम देते थे कि भैया संघ का शिविर लगना है या हमारे जो हॉस्टल वगैरह चलते थे संघ परिवार के उनके लिए गेहूं की व्यवस्था करना है, तो शिवराज जी और मुझे ही जिम्मेदारी देते थे कि हम दोनों ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए थे, भैया आप लोग गांव में से गेहूं कलेक्शन करके लाए। तो मैं और माननीय शिवराज जी हम लोग एक स्कूटर पर बैठकर ये बारदाना रहता है उसको साथ पीछे कैरियर में दाब कर हम इनके गांव जैत जो भी बत्तरा आस पास बड़े संपन्न किसान है वहां पर हम गेहूं इकट्ठा करते थे और काकपुर के आस पास के गाँव से हम यहाँ गेहूं इकट्ठा करते थे और वो हम संघ के उसमें पहुंचाते थे। तो उस समय से संबंध है, तो माननीय शिवराज जी इस गांव में कई बार आए हैं, शिवराज जी ने भी यहाँ पर नदी में नहाया है, यहाँ पर जो है ना स्वच्छ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो लोटा लेकर ही गए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इस गांव से वो परिचित रहे हैं, इसलिए फिर मैंने उनके पास में गया, उनसे मैंने आग्रह किया कि गाँव में यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं रहती थी तो सब स्टेशन बनवाया, यहाँ पर एक खेलने के लिए मैंने आग्रह किया था स्टेडियम भी होगा जिसमें आप सब लोग बैठे हैं, एक यहाँ पर कम्युनिटी हॉल सांस्कृतिक भवन पास में ही लगा हुआ है वो भी बना है, यहाँ पर मैंने कहा कि अगर विदिशा से निकलते हैं गंदे वासुदा तक तो रोड पर कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो आग्रह किया कि कोई यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, तो उन्होंने कहा कि जरूर हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बन के तैयार हो गया है, यहाँ एक गरीब बस्ती में मैंने कहा सामुदायिक भवन हो जाए, लोगों के छोटे छोटे घर रहते हैं शादी विवाह करने के लिए दिक्कत होती है तो वो सामुदायिक एक भवन भी बन गया है, यहाँ एक बहुत पुराना तालाब है वो भी लोगों ने कब्जा कर लिया था पुर गया था, उसका भी जीर्णोद्धार किया, उसमें भी उसका सौंदर्यकरण किया गहरीकरण किया, वो तालाब भी सुंदर हो गया है। आज अगर देखते हैं कानपुर को तो लोगों को लगता है कि बड़ा विकास विकास हो गया है, वास्तव में ये सारा विकास यदि किसी को श्रेय दिया जाए तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी को यह कि जिन्होंने इतनी चिंता करके और ये सारे काम केवल घोषणा नहीं की ये सारे काम करा लिए, ये सारे काम उनके ये लगभग सब भाजपा की सरकार के समय के ही सारे काम है, लगभग हम सब लोग संतुष्ट है, गाँव के लोग भी संतुष्ट है कि सारे काम हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी पर्सनल भी बात हुई अभी गाड़ी में, अभी एक ही निवेदन है, ये गांव काकपुर और गड़ला ये दोनों गांव पहाड़ी के ऊपर है, बाकी आसपास के गांव तो जो है ना मिट्टी वाले हैं और ये गांव लगभग केंद्र बनता है, यहाँ 50-60 गांव का केंद्र बनता है, पहले तो ये सब व्यवस्था नहीं थी, सब जगह रोड नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी सबके पास, तो सारे लोग बसें यही आके पकड़ते थे, तो ये 50-60 गांव का केंद्र है काकपुर और यहाँ प्रॉब्लम में बड़ी पानी की ही है, आज नहीं दिखती, हमने ट्यूबवेल पानी खुदवाया तो हम नटेरल से पानी लेके आते हैं 5 किलोमीटर दूर से, वहां का ट्यूबवेल गड़बड़ रहा तो हमने कहा भैया एक हिरोतिया में कर लेते हैं, तो एक और योजना आ गई हिरोतिया में ट्यूबवेल खुदवाया वहां से भी पानी आता है, तब इस काकपुर में पानी जाता है, गड़ला वाले परेशान है उनके यहाँ पर भी पानी नहीं है, वो बेचारे नीचे बहुत पहाड़ी पर है घाटी नीचे उतर के जाकर पानी लेके आने बड़ी तकलीफ जाती है, तो मुख्यमंत्री जी से एक ही मेरा अनुरोध है कि एक नल जो जल निगम की तरफ से यहाँ बेतवा पास में है 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, वहां से पानी आकर एक फिल्टर प्लांट यहाँ पर लग जाए और गड़ला और काकपुर ये दोनों गांव के लिए यदि उस फिल्टर प्लांट से पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी, फिर कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी। तो बंदोबस्त इतनी बात मुझे कहना थी, मैं आपके और शिवराज जी के बीच में बहुत देर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय शिवराज जी को उनकी सरकार को कि उन्होंने इस छोटे से गांव में 5000 की आबादी है इस गांव की, इस छोटे से गांव में भी इतनी सारी योजनाएं लाकर उतना सारा विकास कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ हमारे परम सम्मानीय अतिथि महोदय का और इसके साथ ही अब मैं हमारे अतिथि से अनुरोध करेंगे कि मूंग दाल का वितरण प्रदेश के मुखिया के कर कवनों के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो हमारे सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि प्राथमिक कक्षा के बालिकाओं को और बाल बच्चों को 10 किलो मूंग का वितरण और माध्यमिक शाला की बालिकाओं और छात्रों को 15 किलो मूंग दाल का वितरण किया जाएगा। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ कुमारी सुमन, कुमारी प्रियंका, शिवानी,
कुमारी जशोदा एवं मीरा कुमारी। ये हमारी वे बालिकाएं हैं जिन्हें मूंग दाल का वितरण हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर्तव्यों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही शूटिंग बॉल वॉलीबॉल में प्रथम एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें कोच के लिए श्री जितेंद्र बघेल, पुरुष खिलाड़ी पवन बरानिया मंडीदीप से, एसएन सहरान रायसेन किला से और महिला खिलाड़ी कोयना दीक्षित भोपाल से, मध्य प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनेन प्रताप सिंह जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि हमारे सम्मानीय अतिथियों के कार्यक्रमों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों के चयन में सम्मानीय श्री मनेन प्रताप सिंह जी की विशेष भूमिका रही, जिसमें उन्होंने शूटिंग बॉल के पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक जो खेले जाने वाला गेम है उसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का वर्चस्व हुआ और सभी और इसके साथ ही आज प्रदेश के मुखिया के कर कमलों के द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा संचालक के प्रमाण पत्र हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा प्रदेश के मुखिया और हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय दानेश जी का अभिवादन करते हुए श्री भगवान सिंह जी एवं श्री मयंक धाकड़ जी, आपको ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन के लिए हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर्तव्यों के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण नवीन ग्रामीण परिवहन सेवा जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विदिशा में कानपुर में यह प्रारंभ किया गया है इसके लिए और अब बिना व्यवधान के प्रदेश के मुखिया आपसे के समक्ष उनका उद्बोधन और मानव में ये कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्हें आप सुनने के लिए आतुर हैं और जोरदार कर्तव्य ध्वनि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रदेश के मुखिया महोदय का बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित इसी धरती के माटी के लाल जो कानपुर में पैदा हुए, अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत माता के चरणों की सेवा के लिए सौंप दिया और एक ऐसा लाल जिससे कानपुर को इस क्षेत्र को गर्व है, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज आदरणीय शिवराम सिंह जी ताली बजा कर उनका इसी धरती पर स्वागत करिए। नहीं तो कई बार हम समझ लेते हैं घर का जो भी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, एक कहावत हमारे आए। मैं शिवराम जी का स्वागत करता हूं, हमारे परिवहन मंत्री, एक नई सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है कानपुर से कि अब इंटीरियर के जो इलाके हैं सब जगह सड़कें तो बन गई लेकिन बस नहीं चलती, अब उन अंदर के क्षेत्रों में भी गांव गांव बस चलेगी, जनता को लटक के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बस में बैठ के जाएगी। तो परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती राजश्री सिंह जी, हमारे कुरवाई के लोकप्रिय विधायक भाई हरि सिंह सप्रे जी, सिरौंज के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, बांसवाड़ा के लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती लीना जैन जी, मुकेश जी, राममोहन जी, तोरण सिंह डांगी जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, भाई रुद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश जी, अब सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी मंच पर विराजमान है, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठगण, बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद कानपुर आना हुआ है, लेकिन दो साल बड़े संकट के थे, कोविड के कारण निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसी महाभयानक बीमारी आई जो हमने न कभी देखी थी न कभी सुनी थी। लेकिन आज मैं आनंद के साथ ये कहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को हमने हराने में सफलता प्राप्त की है, जो वैक्सीन मिली है उसके कारण हम सुरक्षित हैं। मोदी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज मुझे बचपन की बहुत यादें आ रही है। अभी सिद्धांत जी बता रहे थे हम दोनों बचपन से ही मित्र हैं, स्कूटर पर खूब घूमे हैं और कई बार स्कूटर का पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो कई किलोमीटर स्कूटर भटकाते हुए भी हम लोग आए हैं। एक नहीं अनेकों ऐसे मौके आए जब हम साथ में संघ के काम की दृष्टि से घूमते थे। कानपुर में पहले भी आया, उन्हें सुनाया कि नदिया में ना आए हम जा, नदिया में नहाए भी है और शिवराज जी कह रहे थे लोटा लेके बाहर जाते भैया, तब कोई और व्यवस्था तो थी नहीं, वो तो जब हम सांसद थे तब भी पद यात्रा पर निकले तब भी कई जगह लोटे लेके जाने पड़ता था। अपनी जानकारी में तो उस जमाने में तो शौचालय घर का थे, लेकिन कानपुर से मेरा नाता भी बहुत पुराना है। एक तो शिवराज सिंह जी के कारण, क्योंकि बचपन से ही हम लोग काम करने निकल गए समाज का देश का। आपको याद होगा एक बार राजमाता जी की सभा हुई थी, तब ब्रजमोहन माहेश्वरी जी आके विधायक थे और पदयात्रा जी बैठे हमारे लक्ष्मी नारायण जी, बड़े पुराने कार्यकर्ता, ऐसे कई कार्यकर्ता को मदन सिंह जी बैठे हुए पदयात्रा आई थी, उस समय भी मैं कानपुर आया, कई बार आना जाना हुआ। अब देखिए समय कैसे बदला, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि कानपुर के हर घर में शौचालय है, लोटा लेके जाने की अब किसी को बाहर जरूरत नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, अब पहले जब हम सांसद थे, विधायक थे तो सांसद भी ज्यादातर थे कांग्रेस के जमाने में, अब उस जमाने में जो कहीं दौरा करने जाते थे और कोई कहता था भैया मामा, तब नहीं थे, हम कहते थे सांसद जी मुरम ही डलवा दो यार, तो मुरम होल्डर अगर मांग लेते थे तो पसीना आ जाता था कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हम जाए कहां से, मुरम न मुरम थी न बोल्डर थे न रोड थे, वहां तो पैसा वैसा था ही नहीं, खुखले सरकार थी। हम कभी कहते थे कि दे तो दो दुखी राजा, तो कहते थे तनखा बांटने के लाले पड़े आ गए लेने, और वो तो ये कहते थे विकास विकास से चुनाव थोड़ी जीतते, चुनाव तो कलाकारी से जीते जाते हैं, कलाकारी से। जनता ने 2003 में ऐसी कलाकारी दिखाई कि आज तक ठिकाना नहीं पड़ रहा कांग्रेस, आज तक ठिकाना नहीं पड़ रहा, उनने कभी विकास को ध्यान दिया? जो भी काम प्रारंभ हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ हुए, बीच में राघव जी भाई सांसद बने तब का कुछ काम शुरू हुए, विधायक हमारे रहते बेचारे विधायक नीति से करते रहते थे, लेकिन आज बहुत खुशी होती है। देखिए कभी कभी कोई गांव में माटी में ऐसा बेटा पैदा होता है जो पूरे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देता है, और शिवराज सिंह जी उन्हीं बेटों में से हैं। अब इनको चाहते तो इनको क्या मतलब है, इनको रहने में ना थोड़ी है, ये तो घूम रहा है दिल्ली से लगा के पार्टियां भेज देती, छत्तीसगढ़ जाओ, राजस्थान जाओ, फिर कह दिया तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ। कई बार जब आदमी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो अपनी धरती को अपने गांव को भूल जाता है। मैं शिवदान जी का इसलिए स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, दिल्ली में रहे हो चाहे रायपुर में रहे हो, लेकिन उनका मन और आत्मा कानपुर में ही रही, अपने गांव को नहीं भूले, अपने साथियों को नहीं भूले, इस माटी को नहीं भूले,
इस धरती को नहीं भूले और इसलिए बाकी जो कुछ हो सकता था छुटपुट को पहले हुआ और फिर उन्होंने अभियान शुरू किया। वो सारे काम स्टेडियम से लेके स्वास्थ्य केंद्र से लेके तालाब से लेके सामुदायिक भवन से लेके मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में मुझे कहते हुए गर्व है ये सारी चीजें शिवदान सिंह जी के दिमाग में पैदा हुई कि मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ उस माटी का कर्ज उतार दू, उस धरती का कर्ज उतार दू और मैं शिवदान जी का मित्र हूँ। और इसलिए काट पर वालों से कहता हूँ कोई ऐसा नहीं किया, माटी का कर्ज उतारा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आज अभी भी दिल भरा नहीं शिवदान सिंह जी रस्ते में मुझे कहा कि पानी तो घर घर जा रहा है लेकिन बहुत दूर से आ रहा है, 9 किलोमीटर दूर डटेरन से 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है। अब उनको बेतवाजी दिख गई, उसमें भरा पानी दिख गया, हालांकि किसान भाई पानी कम रहने देते हैं पूरे का पूरा खींच लेते हैं, अब तो गर्मी की फसलें भी लगने लगी है, लेकिन शिवदान जी ने आज फिर कहा कि एक फिल्टर प्लांट अगर यहीं पे लग जाए तो बेतवाजी से पानी की सप्लाई हो जाए तो बोर का पानी जब नीचे चला जाता है कई बार संकट आ जाता वो नहीं आएगा। इसलिए शिवदान जी आपने कहा है तो आपने बुलाया, मुझे बीच में कहा के कर दो बीच में चुनाव हमें करवा नहीं था, बहुत दिन हो गया बेचारे कई नौजवान इस चक्कर में थे कि जल्दी चुनाव हो तो चुन चुना के जरा दूसरे आए। मुझे कई लोग कहते थे मामा 8-8 साल से बैठे रे अब तो करवाओ चुनाव, तो हमने तय किया कि चुनाव होंगे तो अब चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं, लेकिन शिवदान सिंह जी ने कहा मुझे कि चुनाव के पहले ही आप कर दो इनका लोकार्पण और शिलान्यास। और जो तुमने पुकारा और हम चले आए, दोस्ती तो निभानी है और इसलिए आज आपके गांव आना हुआ है। ये सारी सौगातें मैं इस गांव को समर्पित करता हूं। और एक जानकारी शिवदान सिंह जी मैं आपको दे रहा हूं, विदिशा जिले के जल निगम में जल जो हमारा निगम है हमने अभी यह तय किया है कि संजय सागर बांध से हम वहां फिल्टर प्लांट लगाएंगे, वहां से पानी खींचेंगे और पानी खींच के उस बांध के पानी को गांव-गांव में पाइपलाइन बिछा के 165 गांव में पानी देंगे। 165 गांव में 208 करोड़ 94 लाख की यह योजना है, 208 करोड़ 94 लाख की, जिसमें काठपुर ग्राम भी सम्मिलित हमारा है। और इसलिए अब यह दिक्कत नहीं आएगी, अब तो सीधा पानी आएगा नहरियाई से। आप देखो ये दोनों बांध के बारे में भी सोचो, बाहा और सगड़ा, पहले जब मैं सांसद था तो जो देखो चिल्लाता था बाहा बनवा दो सगड़ा बनवा दो, और कांग्रेस कितना मजाक करती थी जब चुनाव आते थे तो शिलान्यास के पत्थर गड़ा देते थे बाहा का बांध बनेगा सगड़ का बांध बनेगा, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है ये बांध अगर बने तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बना के दिए, अपना बाहा बन गया अपना सगड़ा बन गया, सिंचाई भी हो रही है और पीने का पानी भी काठपुर गांव के लिए वहां से आएगा, भरपूर पानी आएगा, पानी की कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन काठपुर में 208 गांव 165 गांव में 208 करोड़ रुपया की योजना, तो पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। और मेरी बहने आज बैठी है हैंडपंप की, खटर खटर जाओ पानी भरो और पानी भर में जाओ, तो बेटा को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर के ले आ, तो मेरी बेटियां दिन भर हैंडपंप से लटक लटक के घर में पानी भरती रहे। अब बेटियों को भी पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में टोटी वाला नल खोलेगी तो झर झर पानी आएगा, गुंड और गगरा भर जाएगा, मटका में भी पानी होगा, पानी की सारी किल्लत दूर हो जाएगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ काठपुर के सभी ग्रामवासियों को, आसपास के गांव में भी विकास का काम लगातार चलता है। आज एक अभूतपूर्व ग्रामीण परिवहन सेवा गोविंद सिंह राजपूत आए, मैंने कहा कि अगर इस योजना को प्रारंभ करना है तो हम प्रारंभ करें काठपुर से ही, जैसा प्रारंभ गोविंद जी ने बताया कि बड़े रूट पर तो बस चलती है अच्छी बसें मिल जाती है लेकिन सड़कें तो अब गाँव गाँव हो गई, अब कांग्रेस का राज छोड़िए गाँव गाँव में सड़कें गांव गांव में सड़कें, अब इन सड़कों पे जीपें और जीपों में लटके हुए लोग बिचारे एक जीप में देख के 10 लड़के 15 लड़के 20 लड़के चले आ रहे हैं। अब इस जनता को क्या अच्छी बसों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं, और हम लोगों ने योजना बनाई
कि हम इन रूट पे भी बस चलाएंगे, लेकिन बस वाले बस इसलिए नहीं चलाते कि घाटे के रूट है। तो गोविंद सिंह राजपूत बता रहे थे इन सारे रूट पे बस जो चलाएंगे उनको घाटे की पूर्ति के लिए सरकार पैसा देगी, परिवहन विभाग पैसा देगा कि तुम तो बस चलाओ, घाटे की भरपाई सरकार करेगी और तुम्हारी बस प्रॉफिट में लाके देगी। गोविंद जी ने बताया, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, मैं बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता तुम में से कुछ लोग हिम्मत करें ये बस खरीदे, हम उसमें भी आपको सहयोग करेंगे। और जब बस चलेगी तो उन बसों को चलाने में गोविंद सिंह जी ने बताया है कि हम हर महीने आपको पैसा भी देंगे ताकि घाटा किसी भी कीमत पर ना हो, आपकी बस प्रॉफिट में भी चले और ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी बसों में ढंग से आ जा सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? तो ये ग्रामीण परिवहन सेवा गोविंद विदिशा जिले की धरती से ही प्रारंभ हो रही है। आज यहाँ हमारे विधायक जी ने कहा कि कुछ गांव रह गए डाउन स्ट्रीम के, बाहर के सगर के, तो उनका भी मैं सर्वे करवा के अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो स्टाप डैम की सीरीज बना के भावी सिंचाई का पानी देंगे विदिशा वालों, विदिशा जिला वालों। जितनी भी सिंचाई की योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई, आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ बचे हुए गांव में भी कहीं ना कहीं से सिंचाई का पानी ला के देंगे ताकि हर एक खेत में बेहतर फसल हो, अच्छा उत्पादन हो। और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आमदनी लगभग दुगनी कर पाए। मेरी बहने बड़ी संख्या में बैठी है, इनमें से आजीविका मिशन की बहने कौन है? समूह की बहने हाथ उठाओ जरा, स्व सहायता समूह की बहने। मेरी बहनों हम अभियान चला रहे हैं, गरीब बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, आज समय की सीमा है, लेकिन आजीविका मिशन का भी हमारा अभियान लगातार चल रहा है। और दूसरी चीज सरकार क्या क्या दे रही, गलता तो करके देखो, कोई सोचता था कभी कोई ने गलता की थी कि गेहूं फ्री में ही मिलेगा, 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का और 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 10 किलो गेहूं फ्री, मकान अब सबके बनेंगे, कोई शेष नहीं रहेगा। आवास प्लस के कितने मकान आए कलेक्टर बताएं, कितने मकान आए? 83,719 मकान विदिशा जिले में बनेंगे, संसद विधानसभा में भी बनेंगे, कोई आने वाले समय में कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करेगी। आज और विस्तार में न जाते हुए काठपुर के ग्राम वासियों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ, शिवदान जी आपने बहुत अच्छा काम किया जो अपने गाँव को इतने आगे ले जाके आए। और बाकी भी सब जगह एक ही संदेश देना चाहता हूँ, पंचायतों के चुनाव भैया लठ मठ मत चले जो रे, नहीं तो केस वेस बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिन गांवों में पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे, निर्विरोध चुनाव संपन्न करेंगे, उन गांवों को मैं विशेष सहूलियत दूंगा और सारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को दे दिया जाएगा। तो एक कोशिश करो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए और आंगनबाड़ी ठीक चले, बच्चे कुपोषण मुक्त हो, इसलिए अपनी तरफ से किसानों से अपील है, थोड़ा थोड़ा अनाज दे दो रे भैया, अपने गरीब बेटा बेटियों को। मैं परसों हाथ ठेला लेकर निकल गया भोपाल में कि बच्चों को सामान दो, खिलौने दो, भोजन की सामग्री दो, कुर्सी टेबल दो, दरी दो, पंखा दो, तो निकले थे तो हम हाथ ठेला लेके कई ट्रक भरा गए। भैया जनता भी अच्छी दाता है, मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आंगनबाड़ी बढ़िया चले और अपने गांव का कोई बच्चा कुपोषित ना रहे, ये जवाबदारी हमारी है, इसलिए उसको भी एक सामाजिक आंदोलन बनाने का फैसला किया है। एक बार फिर काठपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। सौदान सिंह जी आप आए कार्यक्रम में, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, एक मॉडल गांव एक आदर्श गांव बनके काठपुर उभर रहा है, आगे भी हम न केवल काठपुर बल्कि आसपास के क्षेत्र के विकास में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।
मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ प्रदेश के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा भवनों की हरी झंडी दिखाकर माननीय अतिथियों के द्वारा रवाना किया जाएगा नवीन ग्रामीण परिवहन सेवा। ऐसे कार्यक्रम में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौहान सिंह जी, प्रधानमंत्री गोविंद सिंह जी, सागर के सांसद राज बहादुर सिंह जी, समस्त विधायकगणों को मैं आभार व्यक्त कर सभी का अभिवादन करते हुए साथ ही माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और साथ चौहान मेला साथ ही खेल मैदान जिस परिसर में हम यहाँ बैठे हुए हैं स्टेडियम निर्माण 168 लाख से भी अधिक राशि का साथ ही खेल मैदान जिस परिसर में हम यहाँ बैठे हुए हैं स्टेडियम निर्माण 168 लाख से भी अधिक राशि का के द्वारा प्रदेश के मुखिया का स्वागत वंदन अभिनंदन करें सिंह जी से कि वे हमें अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का अभिवादन करते हुए